बाकी आप देख सकते हैं प्रोसेस अनलोडिंग किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है, तो वो सब अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा देखने को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेंसर जो है वो लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 का फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल सीट वाला मॉडल जो कि 2022 वेरिएंट है। और बाइक अभी तुरंत ही आई है फ्रेंड्स, अनलोड हो रही है। आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे सिंगल सीट विद डिस्क ब्रेक वाले मॉडल का, तो फाइनली बाइक्स आ चुकी है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं बाइक का लुक्स कैसा है। आप देख सकते हैं पूरा फुल ट्रक यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा पल्सर 125। अब इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि बाइक का डिमांड कितना ज़्यादा है। और लुक्स आप देख लीजिए एक बार सामने से, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल रहा है ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 के यहाँ पे फ्रेंड्स 2022 मॉडल का, जो कि लेज़र एडिशन में है। और इसमें 3D लोगो वगैरह आपको मिल रहा होगा इस बार, तो वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं प्रोसेस अनलोडिंग किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए आपको लोगो से हम दिखा देते हैं। अगर आपको बाइक लेना है तो आप वैद्यनाथ बजाज में आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोगो वगैरह यहाँ आपको नया मिल जा रहा है 3D वाला। और क्लिप ऑन में हैंडल बार आपको कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है, सिंगल में सीट वाला मॉडल है ये। और रेड कलर के स्टिचिंग का यूज़ किया गया है। तो अभी यहाँ पे और भी कलर ऑप्शंस में बाइक अवेलेबल है। अभी कौन कौन सा बाइक यहाँ पे और इसमें आने वाला है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सिर्फ सिंगल सीट मॉडल आया है कि स्प्लिट भी? स्प्लिट नहीं है, सिर्फ सिंगल है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा लुक्स में आपको मिल रहा है। अभी 3D लोगो आपको इसमें भी मिलने लगा है, पहले आपको नहीं मिल रहा था। बाकी मीटर वगैरह यहाँ सेम है, तो लुक्स का आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी किक वगैरह आपको मिल जाता है इसमें, एग्जॉस्ट यहाँ आपको मिल जाता है मैट ब्लैक में। और टेल लाइट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आ रहा है इसमें फ्रंट टायर अगर आपको मिल जाता है। और इस मॉडल में आपको इंजन काउल जो है वो नहीं मिलेगा। इंजन काउल के लिए आपको स्प्लिट सीट वाला जो मॉडल है वो परचेस करना होगा। स्प्लिट सीट मॉडल में कंपनी लगा के देती है, इसमें आप चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं। साइड स्टैंड सेंसर इस बार ऐड कर दिया गया है न्यू मॉडल में, जिससे कि अगर साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जिससे कि एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि स्टैंड डाउन रहता है, लोग बाइक स्टार्ट करके चले जाते हैं तो उससे एक्सीडेंट का चांसेस रहता है। तो वो सब अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा देखने को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेंसर जो है वो लगा हुआ है। और बाइक का लुक्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अभी PDI वगैरह कर रहे हैं, सौरभ भैया हमारे चेक कर रहे हैं। तो अच्छी सी चेकिंग होती है, उसके बाद ही बाइक जो है वो गोडाउन पर जाता है। अभी और भी काफ़ी सारी बाइक्स आई हुई है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आपको बाइक लेना है शोरूम में आकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।